हेलो नमस्ते, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ विन ट्रेडर। आज के लाइव वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ NSE का कुछ शेयर्स। एंड यहाँ पे मैंने ओपन किया है वोल्टास हिंदुस्तान लीवर एंड गोल्ड इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड एंड निफ्टी बैंक निफ्टी। तो ये हमारा सॉफ्ट ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। मीन्स एक ही सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं MCX, NSE कैश फीचर ऑप्शंस, करेंसीज, अग्री, कॉमिक्स एंड फॉरेक्स एंड इज ऑल वर्किंग विद रियल टाइम डाटा। इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं होते, इस वर्किंग विद रियल टाइम डाटा। तो जिसमें सॉफ्टवेयर ने कुछ सिग्नल दिया तो बाइसल सिग्नल दिया तो उसमें डेफिनेटली 80-90% एक्यूरेसी आपको मिलेगा। मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो सेम फ्लक्चुएशन आप हमारा सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं। तो इसमें अभी मैंने ओपन किया वोल्टास है, तो ये लाइव मार्केट रेट आप ऊपर देख सकते हैं 1250.45 ऊपर। यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो लाइव मार्केट रेट है। तो इसमें आप जो चार्ट ओपन करते हैं ऐड करते हैं वो इसका लाइव रेट यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होगा। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के अप एरो वो बाय सिग्नल है, रेड डाउन एरो सेल सिग्नल है। तो ये दोनों सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल्स है। सिग्नल आते टाइम पे आपकी स्क्रीन में एक अलर्ट मैसेज आएगा, एक पॉपअप मैसेज आएगा, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। तो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पे हमें बाय करना है, क्या रेट पे सेल करना है, प्राइस हमें मिलेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो सिग्नल देते हैं वो सभी सिग्नल पे हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर जो सिग्नल देने के बाद हमें मैन्युअली चेक करना होगा जो सॉफ्टवेयर ने जो सिग्नल दिया है वो कन्फर्म है या नहीं। इसमें यह सॉफ्टवेयर में फुल ऑटोमेटिक है, मैनुअल हमें क्या करना है कि सिग्नल आने के बाद इसका कन्फर्मेशन हमें मैनुअली चेक करना होगा। फर्स्ट एरो आ जाएगा, एरो के हिसाब से आपको कंफर्मेशन चेक करना होगा। फर्स्ट कंफर्मेशन अगर एक बाय सिग्नल एक्टिव होगा तो सीधे नीचे देखिए प्राइस यहाँ पे बाय जोन करके लिखा हुआ आना चाहिए, प्राइस इन बाय जोन। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है। सेकंड कंफर्मेशन बाय सिग्नल जहाँ पे मिला है हम एंट्री करते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री करते हैं तो उसके नीचे एक बार है ना, वो हमारा कंफर्मेशन बार है, वो बार का कलर ग्रीन में आना चाहिए। मीन्स हमें ओनली दो ही कंफर्मेशन चाहिए, फर्स्ट एरो आना चाहिए, एरो के हिसाब से आपको कंफर्मेशन चेक करना होगा। फर्स्ट कंफर्मेशन प्राइस बाय जोन एंड बार का कलर नीचे जो पट्टी है ना वो बार कंफर्मेशन बार है, वो बार का कलर ग्रीन में आना चाहिए। ये दो कंडीशन ओके होगा तो डायरेक्ट हम मार्केट रेट पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये वोल्टास में सुबह हमें बाय दिया था 1223.90 पे बाय दिया है, 920 टाइम इज 920। तो अभी मार्केट रेट के हिसाब से 27 पॉइंट ऊपर आप देख सकते हैं, 27 पॉइंट्स मार्केट प्रॉफिट में है, ऊपर है। स्टेटस में देख सकते हैं तीनों टारगेट अच्छे हो गए। तो ये लास्ट सिग्नल का डिटेल्स हमेशा डैशबोर्ड में भी, ऊपर का डैशबोर्ड में भी आ जाएगा एंड अलर्ट मैसेज में भी आएगा। तो ये सिग्नल के हिसाब से तीनों टारगेट अचीव हो गया। अभी जरा सा मार्केट ट्रेंड रिवर्सल चल रहा है लेकिन ये नीचे हमारा कन्फर्मेशन इंडिकेटर अभी भी बाय के फेवर में है, दैट मीन्स अगेन ऊपर जाने की चांस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड स्टार्स है ना, वो रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस अभी दे रहे 50-45 है। तो 50-45 को ब्रेक किया तो फिर ऊपर चला जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। एंड यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं 1590 का सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये इसको नीचे गया तो मार्केट रिवर्सल का, स्ट्रांग रिवर्सल का चांस है। एंड बीच बीच में आप कुछ एक्स्ट्रा कैंडल कलर देख सकते हैं, नॉर्मल कैंडल का कलर रेड एंड ग्रीन है। तो ये रेड एंड ग्रीन के अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर्स दे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे ऑरेंज कलर, लाइट ब्लू, MD कैंडल, व्हाइट कैंडल, ये सभी साइड वे इंडिकेशन। मीन्स नॉर्मल कलर रेड एंड ग्रीन है, इसके अलावा चार डिफरेंट टाइप्स कलर्स आएगा जैसे ऑरेंज, लाइट ब्लू, व्हाइट कैंडल, MD कैंडल, ये साइड वे इंडिकेशन दे रहे हैं। मार्केट साइड होगा तो ऑटोमेटिकली ये कलर चेंज होके आ जाएगा। एंड रेंज बॉन्ड भी आप देख सकते हैं, जैसे मार्केट अगर अच्छा रेंज में होगा तो ये जो ऊपर एक येलो ये है ना, येलो लाइन है ना एंड नीचे एक ब्लू लाइन है ना, वो रेंज बॉन्ड इंडिकेटर है। तो ये दोनों लाइन के अंदर स्पेस, ज़्यादा स्पेस होगा तो वो ट्रेंडी मार्केट है। तो दोनों पैरेलल जा रहे हो तो उसका मतलब है कि मार्केट में इतना मार्केट में वॉल्यूम कम है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अभी ये मैंने आपको दिखाया ना वोल्टास है, वोल्टास में आज हमें एक ही सिग्नल मिला, वो अभी भी कंटिन्यू है। तो एंड हिंदुस्तान लीवर में आज हमें दो सिग्नल मिला है। ये जो व्हाइट वर्टिकल लाइन डे ब्रेकर लाइन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट हमें सेल सिग्नल मिला था लेकिन वो नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अगर ये कन्फर्म होता तो डेफिनेटली वहाँ से रिवर्स हो गया। हमें बाय मिला था 2299.55 पे, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। मीन्स ये सेल सिग्नल हमारा लॉस हो गया।
उसके बाद हमें बाय मिला है, बाय हमें मिला है 2307.60 पे 1125 को हमें बाय मिला था, वो 12 पॉइंट ऊपर है, 12-13 पॉइंट ऊपर है। एंड स्टेटस में आप देख सकते हैं तीनों टारगेट अचीव हो गया, अभी कंटिन्यू बाय है, ये कंटिन्यूएशन होगा तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड सिग्नल कंटिन्यू होगा तो सॉफ्टवेयर में री एंट्री ऑप्शन देगा। री एंट्री मीन्स सॉफ्टवेयर में एक नया एंट्री पॉइंट भी देगा एंड एक नया टारगेट भी देगा, तो वहाँ पर हम चाहे तो अगेन ले सकते हैं। तो अभी हिंदुस्तान में हमें दो सिग्नल मिला है, फर्स्ट सिग्नल रिवर्स हुआ एंड बाद सेकंड सिग्नल अभी कंटिन्यू बाय चल रहा है, टारगेट अभी अचीव हो गया, इट्स कंटिन्यू विद बाय ट्रेंड। एंड इसमें निफ्टी में आप देख सकते हैं, निफ्टी में एक ही सिग्नल मिला है, फर्स्ट मॉर्निंग में है ना कल का सेल सिग्नल का कंटिन्यूएशन था, उसके बाद हमें एक ही सिग्नल मिला, वो बाय सिग्नल है, बाय हमें मिला था 17,332.35 पे 11:15 को हमें बाय मिला था। अभी उसका फर्स्ट टारगेट आ गया, वो बाय कंटिन्यू, एक री एंट्री सजेशन भी दिया है 17,382 पे, एक री एंट्री सजेशन दिया है, 420 का टारगेट भी दिया है, तो वो भी कंफर्म सिग्नल है, कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है। तो एक ही से निफ्टी में हमें एक ही सिग्नल मिला है, वो बाय सिग्नल है। बैंक निफ्टी में भी सेम है, सुबह सेल का कल का सेल का कंटिन्यूएशन था, आज बाय मिला है, फर्स्ट हमें बाय मिला है 11:50 को बाय दिया है, प्राइस बाय एट 37,664.25 पे हमें बाय दिया है, दो टारगेट अचीव हो गया, फर्स्ट टारगेट 37,747.15 का था, उसके बाद 37,813.40, नीचे आप देख सकते हैं नीचे के विंडो में पूरा लिखा है, तो उसमें दो टारगेट अचीव हो गया। अभी जरा सन प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन अभी भी बाय जोन में ही है, एक री एंट्री सजेशन भी यहाँ पे दिया है सॉफ्टवेयर ने, बाय एट 37,815 पे एक री एंट्री है, 898 का एक्सिट लेवल भी दिया है, तो इसी तरह री एंट्री टोटल डिपेंड्स अपॉन द कस्टम, डिपेंड्स अपॉन यू, अगर हम री एंटर करना तो कर सकते हैं, ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है, अगर आप रिस्क उठाना नहीं चाहते तो हमें नेक्स्ट फ्रेश सिग्नल के लिए भी वेट कर सकते हैं। तो इसके बेस में आप ऑप्शन भी कर सकते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेंड देखे हम ऑप्शन में करते हैं, ऑप्शन में जैसे बाई होगा तो आप डायरेक्ट कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, सेल होगा तो पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम नॉर्मली इन द मनी पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी 37,700 है ना, 777 है, तो इसमें आपको जो स्ट्राइक प्राइस चाहिए वो स्ट्राइक प्राइस ओपन किया था, इसी तरह से प्राइस स्ट्राइक प्राइस भी आप ऐड कर सकते हैं, इसी ये ना वीकली ऑप्शन में जाके जो स्ट्राइक प्राइस चाहिए वो स्ट्राइक प्राइस आप ऐड करके इसी तरह सेपरेट चार्ट विंडो पे भी चार्ट विंडो पे ओपन कर सकते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑल मेजर फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं, MCX से, इसी ये डाटा में आप देख सकते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, ए NSE F&O लिखा है वो फ्यूचर है, NSE स्पॉट लिखा है वो कैश है, MCX है, इंडियन करेंसीज है, ये वीकली ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शंस है, एग्रीकल्चर, फॉरेक्स, इंटरनेशनल कमोडिटीज, ऑल सेगमेंट मींस सब ऑल मेजर फाइनेंशियल मार्केट एक ही सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं, एंड इज ऑल वर्किंग विद रियल टाइम डाटा। इसमें सॉफ्टवेयर जो सिग्नल देते हैं ना वो हर सिग्नल पर आपको ट्रेड नहीं करना है, सिग्नल आने के बाद इसका कंफर्मेशन चेक करना है, कंफर्म होगा तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, उसमें डेफिनेटली 80-90% एक्यूरेसी आपको मिलेगा, मीन्स मंथली के हिसाब से देखेंगे तो 100% आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा। एंड अभी मैंने आपको दिखाया ना वो फुल लाइव है, आप इसमें किसी भी सेगमेंट में लाइव डेमो देखना चाहते तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, माय नेम इज़ गंगा एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं, माय नंबर इज़ 9061973737, ये नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, आप मैसेज भी कर सकते हैं, एंड हमारा वेबसाइट है www.wintradersoft.com, उसमें रिव्यूज़ का पेज आप ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।